मैनपुरी में लाइव खूनी खेल का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की इलाज के दौरान सैफई में मौत हो गई। पुलिस घटना की रिपोर्ट दर्ज करके अपनी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सभी आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम मुद्दापुर खास से जुड़ा है। बीती 26 मई को मुद्दापुर खास में राजेंद्र सिंह और अशोक सिंह पक्ष के लोग जमीनी विवाद को लेकर आमने सामने आ गए। कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों को मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 गंभीर घायलों को सैफई PGI के लिए रेफर कर दिया, जहां अशोक सिंह पक्ष के राकेश सिंह की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुट गई है। किसी ने घटना का लाइव वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। खूनी खेल के वीडियो में दोनों पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल पड़े। जनपद मैनपुरी से अनिल शाक्य की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला? ग्राम सभा के जगह थे एक धान कठेरिया, हमारे बाप को मकान तो उसे अवैध जगह पर कब्जा करने के लिए, मतलब जब वहाँ प्रधान जो लोग आए तो पुलिस भी आए। पुलिस जाने के बाद प्रधान पर हमला बोलने के मतलब जो है मुताबिक हम लोगों ने बचाया उनको, तो पत्ता तमंचा लेके इन लोगों ने प्रदीप, कुलदीप, संदीप और राजिंदर और इन्हें कई सब मार डालो, गांत लाशा बिछाए दे, फिर इन्हें ईटा चलाए, बाल बांस उठाए, सीधे मारो मेरे पापा, ऐसे कटिया पाते उठ गए आपा, हमने एकदम अपने पापा का ऐसे गोदी में ले लो, देखा खून पहले जो देखा खून कैसे लिखो देखा, और इन्हें मेरे पापा के पुराने नहीं बाले निकली थोड़ी बहुत कहा उनके अंदर साहब, और मेरी बिटिया जा मेरे गोदी थी, जा का मेरी एक चाटी बिन्ना छीन ली और जाने का चोट लगी, मेरी माँ जी के ईटे लगी सिर में, राजकुमारी। फिर ये गांव में एक जो झगड़ा हुआ था, इसमें एक युवक की मौत हो गई, इसका क्या है पूरा मामला? कल रात लगभग 9 बजे मद्दापुर खास से सूचना आई कि 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई, कई लोग चोटिल हैं। इस सूचना पे पुलिस गई तो वहाँ पे दोनों पक्षों के लोग चोटिल थे। एक पक्ष राजेंद्र सिंह है, दूसरा पक्ष अशोक सिंह। राजेंद्र पक्ष के प्रदीप चोटिल थे, अशोक पक्ष के सौरभ तथा राकेश सिंह चोटिल थे। इन लोगों को PHC पे ले जाया गया, फिर यहाँ से रिफ़र किया गया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल से ये लोग सैफई रिफ़र हो गए, जहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान राकेश सिंह की मृत्यु हो गई और प्रदीप का इलाज चल रहा है। इसमें किसी लोगों की कोई गिरफ्तारी भी की गई? अभी राकेश सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हो गया है उनकी तरफ से, गिरफ्तारी का प्रयास।